हाय चैंपियंस, वेलकम टू एफर्टलेस फिजिक्स। मेरा नाम है मोनिका अग्रवाल और हम कर रहे हैं MHT CET 2022 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अगर आप लोगों ने इतने क्वेश्चंस कर लिए देन यू विल डेफिनेटली बी एबल टू सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस दैट कम्स इन दी एग्जाम। तो आज मैं आपके सामने लाई हूँ एक बहुत ही स्पेशल चैप्टर, स्पेशल रिक्वेस्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे बच्चों को हमेशा खौफ डर रहता है, मतलब ऐसा लगता है इस चैप्टर के क्वेश्चंस हमसे नहीं हो पाएंगे। जस्ट रिलैक्स, दिस इज वेरी वेरी इजी। आपको अगर फॉर्मूला लिस्ट चाहिए कि मिस इसमें फॉर्मूलाज क्या होंगे, कौन से फॉर्मूलाज हम लगाएंगे, तो मुझे बताना, हार्डली 15-20 मिनट्स में वो भी कवर करवा सकती हूँ। बट लेट मी नो कि अगर आप लोग को फॉर्मूला में स्ट्रगल हो रही है तो कौन से फॉर्मूलाज इस चैप्टर के आ सकते हैं या क्या हमको याद करना है, तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताना। तो आज हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चंस। सो हियर कम द फर्स्ट क्वेश्चन। अ हेलीकॉप्टर राइजेस वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। इफ हेलीकॉप्टर हैज लेंथ 10 मीटर एंड हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन, then the induced EMF between the tip of nose and tail of helicopter। बहुत ही easy question है, ये बिल्कुल एक straight forward question है जहाँ पे आपको B, L, V लगाना है। हमको B पता है, L पता है, V पता है, so pure substitution। So here E is B, कितना है बेटा? B is 5 into 10⁻³। लेंथ कितना है? लेंथ ऑफ द हेलीकॉप्टर इज 10 एंड द स्पीड इज 100। तो ये माइनस 3 ने ये प्लस 3 को काट डाला, सो द आंसर इज 5 वोल्ट, दैट इज ऑप्शन सी। एंड दिस इज अ इजी क्वेश्चन, एकदम लल्लू वल्लू सा क्वेश्चन। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं जहां पे आपको डायरेक्ट BLV पुट करना होता है या डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेते हैं, क्या इसमें कुछ टफ था? नहीं। ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ओके, ट्रांसफॉर्म्स अ सप्लाई लाइन वोल्टेज ऑफ 2200 वोल्ट इंटू 220 वोल्ट। मतलब आपको इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज दोनों दिया है। द प्राइमरी कॉइल हैज 5000 टर्न्स। ओके, प्राइमरी मतलब NP भी दिया हुआ है। द एफिशियंसी एंड पावर ट्रांसमिटेड बाई द ट्रांसफॉर्मर आर 90% एंड 8 kW, देन द पावर सप्लाई। इजी क्वेश्चन है, इनिशियली चीजें बिल्कुल बकवास दी है, टाइम पास करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। तो यहाँ पे अपने को ईटा दिया हुआ है 90%, आउटपुट पावर दिया है 8 kW और इनपुट पावर पूछा है। सो एफिशियंसी इज आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, यही होता है। ओके, अब ठीक है, आउटपुट कितना है तेरा? 90%, दैट इज 90/100 इज इक्वल्स टू 8000, 8 kW है ना, तो 8000 आंसर किलो वॉट में ही दिया हुआ है, तो मैं किलो वॉट को कन्वर्ट नहीं कर रही हूँ। इंटू पी इनपुट, इस जीरो ने इस जीरो को मार डाला, सो पी इनपुट इज 10 × 8, दैट इज 80 डिवाइडेड बाय 9। ओके, सो ये देखो 9 9 जा कितना होता है बेटा? 81 होता है, तो यानी ये 9 से थोड़ा सा कम होगा। सो 9 से थोड़ा सा कम यानी 8.89, सो द करेक्ट आंसर इज 8.89 kW, दैट इज ऑप्शन बी। समझ में आया कैसा? तो बस तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा, मिस वो जो ऊपर वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न्स दिए थे, वो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए थे। यहाँ पे आपको ईटा पता था, ईटा इज आउटपुट बाय इनपुट, और ईटा परसेंट में दिया था, तो मैंने 100 से डिवाइड किया, आउटपुट पावर तुझे पता था, तो इनपुट पावर तुझे मिल गया। इज दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इफ कॉइल इज ओपन देन आर, देन एल एंड आर बिकम, यानी अगर एक खुला हुआ कॉइल है तो ऑब्वियसली करंट फ्लो नहीं होगी। करंट कितनी होगी? करंट फ्लो भी नहीं होगी, तो करंट तेरी जीरो है, तो एल की वैल्यू तेरी जीरो हो जाएगी।
और जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस इज वी बाय आई, तो आई जीरो हो गया, सो दैट विल बिकम इंफिनिटी. सो एल इज जीरो एंड आर इज इंफिनिटी, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर. व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास थ्रू अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, फ्लक्स एसोसिएटेड विद इट इज गिवन, फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल. तो हमको पता है एन फाइ इज इक्वल टू एल आई, तो तुझे एल क्या हो जाएगा बेटा, एन फाइ बाय आई. सो हियर एन दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इज 100, फाइ इज 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 डिवाइडेड बाई करेंट विच इज 2. तो इसमें से मैं 2 जीरो काट रही हूं तो माइनस 3 बच रहा है. 5 बाई 2 इज 2.5, सो 2.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 हेनरी. हेनरी इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये तुम लोग याद रखोगे. ठीक है, एक और चीज मैं तेको होमवर्क दे रही हूं, हेनरी का डायमेंशन तुझे निकालना आना चाहिए. ये तुम लोग का काम, ये होमवर्क रहेगा. और एक और शायद तुम लोग को फॉर्मूला पता होगा, एल इज ई डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी, तो इसकी वजह से इसका यूनिट एक और आता है बेटा, ई तेरा होता है वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर ओम होता है, तो इसका एक और यूनिट होता है ओम सेकेंड. ओम सेकेंड, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, हेनरी, ये सारे तेरे एल के यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस के यूनिट होते. लिख अभी का अभी लिख, ठीक है. म्यूचुअल इंडक्टेंस इज एम एंड सेल्फ इंडक्टेंस इज एल, तो उसके क्या क्या यूनिट्स है, उसका यूनिट है हेनरी, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, ओम सेकेंड, ये सारे उसके यूनिट्स है. और इसका काम मैंने तुझे क्या दिया है, डायमेंशन निकालना, ये तेरा काम है. एक मिनट मुझे देखने दो, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है क्या? यस, दिस इज क्लियर. ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. A transformer is used to light a 100 watt and 110 volt lamp from a 220 volt mains. मतलब input power, नहीं, output power दिया है और input और output voltage दिया है. If the main current is this much, then the efficiency. So efficiency is output power by input power. तो आउटपुट पावर तो तुझे डायरेक्टली 100 दिया हुआ है, कि जो बल्ब को हम जलाना चाहते हैं उसका पावर कितना है वो हमको दिया हुआ है. इनपुट पावर है 220 वोल्ट एंड 0.5 दैट इज 1/2, इसको कट करके तो 110 आया. सो ईटा इज योर 10/11 इंटू 100. ठीक है बेटा, तो ये कितना आएगा तेरा 1000 बाय 11 आएगा. सो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो ये अगर 9 से अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं 11 को, तो 11 9 इज 99, तो ये ऑब्वियसली 90% ही आना चाहिए. 100 तो जाने ही, परसेंट के फॉर्म में ही दिया ना बेटा देखो. हाँ, तो ये 100 मल्टीप्लाई मार, तो जो 10/11 होगा वो ऑब्वियसली 0.9 होगा. तो 0.9 इंटू 100 इज योर 90%, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, मैं इधर पर्सन लिख रही हूं, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. व्हेन अ रॉड ऑफ लेंथ एल इज रोटेटेड विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन अ परपेंडिकुलर फील्ड ऑफ इंडक्शन बी अबाउट 1 एंड, यानी ऐसा समझ, ये एक रोड है जिसको हम गोल 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 रिंगा रिंगा रोजेस इसको करा रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड मान ले अंदर की तरफ है, मींस परपेंडिकुलर. ठीक है ना बेटा, तो तुझे क्या पूछा है, अपन को पूछा है यहाँ पे EMF. सो EMF इज बी स्क्वेयर, नहीं बी नहीं सॉरी बी एल स्क्वेयर ओमेगा बाई 2. ये फॉर्मूला है, इसमें मेरा तेरा कुछ काम नहीं है, तुझे ये याद करना पड़ेगा. और एल इज द लेंथ, बी एल स्क्वेयर ओमेगा बाई 2, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट पूछा है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. देख रहे हो कितने इजी क्वेश्चन है, इस चैप्टर से तुम लोग डर रहे थे,
आ रहे हैं ना इसके क्वेश्चंस, इजी लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? यही मैं दो सेट्स में इनके क्वेश्चंस दूंगी। आज अपन पहला सेट करेंगे और उसके बाद दूसरा सेट हम करेंगे, तो तुझे सफिशियंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख बेटा। व्हाट विल बी द सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब वापस एल पूछा है। ओके, एल का फॉर्मूला और यहाँ पे क्या दिया है, 100 टर्न्स दिया है, 5 एम्पियर दिया है, फ्लक्स दिया हुआ है। सिमिलर क्वेश्चन लग रहा है, एन फाइव डाई आई लगा दी, नंबर ऑफ टर्न्स इज 100, 5 इंटू 10 रेस टू माइनस 5 डिवाइडेड बाई करंट, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे हमारी करंट 5 है, तो ये कट हो गया, तो 10 रेस टू माइनस 3 इज द आंसर। एल कितना आया, 10 रेस टू माइनस 3 हेनरी। अब तुम बोलोगे मिस माइनस 3 हेनरी तो दिया ही नहीं है, तो कोई बात नहीं ना, मिली हेनरी तो दिया हुआ है, सो 10 रेस टू माइनस 3 इज नथिंग बट इट इज 1 मिली हेनरी। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। टू डिफरेंट कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2 आर प्लेस क्लोज टू ईच अदर, दोनों को चिपका के रखा है हम लोगों ने, सो दैट द इफेक्टिव फ्लक्स इन वन इज कंप्लीटली लिंक विद द अदर। मतलब ऐसा समझ, ये तेरी एक कॉइल है, दूसरी कॉइल को बिल्कुल इसके ऊपर एकदम चिपका दिया, और जो फ्लक्स व्हाइट वाली के साथ लिंक हो रहा है वो सारा का सारा फ्लक्स येलो वाली के साथ भी लिंक हो रहा है। तो हमको फॉर्मूला पता है, एम इज के रूट एल वन एल टू, हियर द वैल्यू ऑफ के इज 1, सो एम विल बी रूट एल वन एल टू, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। समझ में आया, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। तुझे यहां से कितने सारे फॉर्मूलाज मिल गए, अगर तुझे चैप्टर आता भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, यहां से तुझे नया फॉर्मूला मिला बी एल वी, यहां से तुझे ईटा का फॉर्मूला मिला, उसके बाद यहां पे तुझे एक नया फॉर्मूला मिला, ये तो वही वाला फॉर्मूला, यहां से तुझे एक नया फॉर्मूला मिला, यहां से तुझे एक नया फॉर्मूला मिला। तो अगर तुम लोग ने ये क्वेश्चंस खाली देख लिए तो भी तुझे फॉर्मूलाज आ सकते हैं। समझ में आ रहा है, अगर लिस्ट आपको चाहिए कि मिस कौन से फॉर्मूलाज इस चैप्टर से हम करें तो जरूर मुझे बताइए, मैं वो भी ले लूंगी, टाइम कम है और काफी सारी चीजें करनी है। सो व्हाट इज द, यानी आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही है उसके हिसाब से, और जो चैप्टर से बच्चों को डर है, फियर है, वो चैप्टर में पहले कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो ईएमआई अपन पहले खत्म करेंगे, उसके बाद मोस्टली मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी लूंगी, बिकॉज उसकी काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही है कि मिस करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो पोटेंशियोमीटर वाले क्वेश्चंस हैं वो तो हमें आते ही नहीं है, तो वो भी तुझे बहुत इजी लगने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए आप इसको पूरा लिख लीजिए। ओके, नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया है, इफ एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सर्क्यूलर कॉइल, एक कॉइल है इसमें कितने टर्न्स है वो दिया है, द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब एल पूछा है, इसका फॉर्मूला है म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए बाय एन, दिस इज अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो यहां से हम देख सकते हैं कि एल और एन के बीच में जो लफड़ा है दैट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एन स्क्वेयर, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। टू कॉइल्स ए एंड बी हैव म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब एम दिया है, इफ द करंट इन द प्राइमरी इज दिस मच देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल इज। ओके, सो ईएमएफ का जो इंड्यूस का फॉर्मूला है दैट इज एम डी आई पी बाई डी टी, सो ई इज इक्वल्स टू एम, कितना है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 डी आई P by dt, मतलब इसको डिफरेंशिएट करूं मैं तो ये हो गया 5 साइन का डिफरेंशिएशन cos 10 पाई t, और वापस से 10 पाई इधर मल्टीप्लाई होगा चेन रूल के हिसाब से, तो ये 10 पाई हो गया। ओके, अब ध्यान से सुनना, ये 5 टू जा 10 और ये 10 और ये 10 100 और ये माइनस 2 तेरा कैंसिल हो गया, तो e कितना आया, e इज पाई cos 10 पाई t, और ये जो आगे वाला होता है इसको आप इस तरह से लिखते हैं cos ओमेगा t, तो अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये ही पाए तेरा पीक वैल्यू हो जाएगा,
तो यहाँ पे हमको E नॉट मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF आ गया पाई वोल्ट. सो दिस इज अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन. क्या किया, EMF ढूंढना था, फॉर्मूला लगाया MdIP/dt. यहां से तेरे लिए एक नया नया ताजी ताजी फॉर्मूला भी तुझे पता चला. अब DI/dt मतलब जो तेरा आई का इक्वेशन था उसको डिफ्रेंशिएट किया, तो चेन रूल के हिसाब से ये जो टर्म होता है टी का ये भी आगे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 10 और ये 5 × 2 = 10 मतलब 100 और ये 10⁻²− कैंसिल हो गया और हमको पाई मिला. सो द आंसर इज दैट इज पाई ऑप्शन ए. ओके नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कॉइल इज इनिशियली मतलब पहले अपना जो फ्लक्स है दैट इज 4 × 10⁻⁴ वेबर. ओके इट रिड्यूसेस टू 10% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. मतलब हमारा जो 5 2 है वो कितना है 10% ऑफ 5 1. सो दैट इज 5 2. 10 इज नथिंग बट 10% इज 0.1 ऑफ 4 × 10⁻⁴. So we can write this as 4 × 10⁻⁵ weber. So तुझे initial 5 1 मिल गया और final 5 भी मिल गया, मतलब 5 2 भी हमको मिल गया. अब EMF दिया है E is 0.72 milli, that is 10⁻³ volt. We have to find the time, that is T हमको ढूंढना है. So E is 5 2 − 5 1 / T. So 72 × 10⁻⁵. समझा बेटा क्या किया, दो डेसिमल शिफ्ट कर दी. ठीक है इज इक्वल टू 5 2 कितना है 5 2 इज 4 × 10⁻⁵ माइनस 4 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय टी. सो 72 × 10⁻⁵ इज इक्वल्स टू 4 × 10⁻⁴ हमने कॉमन निकाल लिया. अब यहां क्या बचा 0.1 − 1 / t. ठीक है तो ये 0.1 − 1 हो जाएगा तेरा. डोंट गो विद द माइनस प्लस बिकॉज यहां पे बाहर भी एक माइनस होता है तो वो माइनस को आप इग्नोर करना. मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात कर रही हूं बेटा. तो ये तेरा 1 − 0.1 मतलब 0.9 आ गया और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाई टी. अभी इसको मैं 9 लिख रही हूं, देखना जरा. 72 × 10⁻⁵ इज 4 × 10⁻⁵ × 9. 0.9 को हमने 9 कर लिया, इस 9 ने इसको काट के 8 आ गया और ये 4 1 = 4 2 आ गया इज इक्वल टू टी. ये 10⁻⁵ कट हो गया तो 1/2 आया. सो 1/2 इज 0.5 सेकेंड. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन. ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बच्चे अटकते हैं. तो तुझे समझा क्या किया मैंने, 5 1 तुझे दिया था, तुझे ऐसा बोला था कि जो तेरा फ्लक्स है वो बाद में 10% हो गया. तो मैंने 5 2 लिखा, 5 2 = 10% मतलब 0.1 ऑफ 5 1. तो 5 1 निकाला, सॉरी 5 2 निकाला अपन ने, EMF दिया था और फिर मैंने प्योर फॉर्मूला में पुट किया. स्टेप बाय स्टेप करो, नहीं अटकोगे. डोंट जंप इनिशियल, अभी टाइम है, अभी भी 2 महीने हैं अपने पास. अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीजें करते हैं सो यू कैन डू इट. ओके डोंट रश के बस मुझे तुरंत आंसर आना चाहिए, नहीं आएगा. कुछ कुछ क्वेश्चन में सॉल्विंग लगेगी, जैसा आपका ब्रेन धीरे धीरे बिल्ड होते जाएगा आगे जाके आप डेफिनेटली इंप्रूव कर पाएंगे. ओके एक मुझे देखने दो, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है. आई कीप ऑन चेकिंग दिस बिकॉज काफी बार ऐसा होता है कि ब्लर हो जाता है. तो ब्लर हो जाएगा तो आप लोगों को क्लियर दिखाई नहीं देगा बेटा. चल अगला क्वेश्चन बढ़ते हुए, दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन. 2 coils P and Q आर केप्ट नियर ईच अदर, यानी एक मेरा P है और एक मेरा क्यू है, दोनों को मैंने बाजू बाजू में थोड़ा सा नजदीक रख दिया. ओके व्हेन नो करंट फ्लोस थ्रू कॉइल पी, तो पी से पहले करंट फ्लो नहीं हो रही है एंड करंट इंक्रीजेस इन कॉइल एट द रेट ऑफ 10 A/s. क्यू में करंट तेरी बढ़ रही है, करंट बढ़ेगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा, इसमें भी होगा क्यू में और पी में भी होगा. ओके सो द EMF इन कॉइल पी इज 15 mV. तो ऑब्वियसली
तीन वाले में ईएमएफ इंड्यूस हुआ. ओके, व्हेन कॉइल क्यू कैरीज नो करंट. अब केस टू में क्या बोला, इसके पास करंट नहीं है एंड करंट ऑफ 1.8 एम्पियर फ्लोस थ्रू कॉइल पी और इससे अभी करंट फ्लो होने लग गई सडनली. सो द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल क्यू, तो इसके साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा ये हमको पूछा था. ओके, स्टेप बाय स्टेप करती हूँ बेटा. तो पहले मैं लिख सकती हूँ ई पी इज इक्वल्स टू एम डी आई क्यू बाय डी टी, यानी प्राइमरी में जो ई एम एफ इंड्यूस हुआ दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू और इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है या जो करंट बढ़ रहा है. तो ई पी की वैल्यू कितनी है तेरी, 15 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 इज इक्वल टू एम एंड द करंट इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 10. ओके मिस, तो m हमको यहां से मिला 15 इंटू 10 रेज टू माइनस 4, समझा ना, ये 10 तेरा नीचे आ गया तो देखो यहां से m की वैल्यू मिली. मिस ये m क्यों निकाल रहे हैं, हमको तो फ्लक्स पूछा था. हाँ बेटा तेरी बात राइट है, तो जो phi q पूछा है दैट इज द फ्लक्स इन q इज इक्वल टू m इंटू आई ई, तो इसके लिए तुझे m पता होना जरूरी था. अब हमारे पास वैल्यू है 15 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 एंड द करंट दैट इज फ्लोइंग कहाँ गया, कहाँ गया क्वेश्चन मेरा 1.8. ओके सो 15 इंटू 1.8, तो इसको मैं लिखती हूँ 15 इंटू मिली वेबर बोला है ना, ठीक है चल एक बार 1.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा बेटा 18 इंटू 15, 8 5 जा 40, 4 कैरी 5 1 जा 5 9 1 8 जा 8 1 1 जा 1 तो 0 7 1 2.7 27 आ रहा है ऑब्वियसली, बट यहाँ पे देखो आ रहा है 20 270 दैट इज 27 नहीं इधर 1.8 है ना, हाँ तो 227 into 10 raised to minus 4 that is 2.7 into 10 raised to minus 3 which is 2.7 milliweber. So the correct answer to this question is option C and this was a good question. इस question को देखो प्यार की जरूरत है, तो ये हमारा कौन सा वाला question है, this is your दिल वाला question, ये तेरा प्यार वाला question है. So this is our दिल वाला question, प्यार वाला question. और कोई प्यार वाला क्वेश्चन है क्या इधर, हाँ ये भी बोल सकते हैं दिस इज ऑल्सो योर प्यार वाला क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन को तुझे प्यार देने की जरूरत है, वापस करने की जरूरत है. ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है अभी 13. अब यहाँ क्या दिया है, अ 220 वोल्ट इनपुट इज सप्लाइड टू अ ट्रांसफॉर्मर. ओके द आउटपुट circuit draws a current of 2 ampere at 440 volt. If the ratio of the output to input power is 0.8, then the current drawn. Okay, so output power by input power is 0.8, which is PO by P input. P output is output voltage, output current divided by input voltage, input current. Okay, 0.8, output voltage kitna hai? आउटपुट वोल्टेज इज 440, आउटपुट करंट कितना है 2, इनपुट वोल्टेज कितना है 220, इनपुट करंट कितना है वो हमको ढूंढना था. अब इसको काट दे तो ये 2 हो गया, ये 2 इंटू 2 ये 0.4 हो जाए, नहीं 4 हो गया तो 0.2 हो जाएगा. सो आई पी is your 1 divided by 0.2 that is 10 by 2 that is 5 ampere. So the input current is 5 ampere. So the answer is option C. Is this clear? Okay, next question, question number 14. Four coiled current that are nothing but eddy currents are produced in a material when it is placed in uniform magnetic field. Nahin. हीटेड नहीं, जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तभी तो ये ईएमआई की पूरी स्टोरी आई पिक्चर में, तो ऑब्वियसली जब भी मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रही है तब हमारे एडी करंट्स फॉर्म होते हैं. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. क्लियर, ओके कॉपी दिस. Yes, moving on to the next question. अभी तक हमने 14 क्वेश्चन किए बेटा, सो हियर कम्स योर 15 क्वेश्चन.
आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे और बाकी के 20, 18 से 20 समझो और बाकी के जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। अब देख बेटा क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, अ कॉइल ऑफ एन टर्न्स ओके एंड रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस ऑफ आर बाई टू। तो सीरीज में कनेक्टेड है तो जो तेरा नेट रेजिस्टेंस हो गया वो हो गया आर प्लस आर बाई टू, दैट इज 3R/2। दिस इज द नेट रेजिस्टेंस। द कॉम्बिनेशन इज मूव्ड फॉर टाइम टी सेकेंड थ्रू अ फ्लक्स ऑफ 5 into 5/2। द इंड्यूस करंट ओके सो करंट इज ई बाय आर, ई इज डी फाइव दैट इज 5/2 - 5/1/t इंटू आर नेट दैट इज द नेट रेजिस्टेंस। सो 5/2 - 5/1/t एंड दिस इज 3R/2। सो 2/5/2 अच्छा एन भी है ऑब्वियसली तो एन तो आएगा ही, नंबर ऑफ टर्न्स है सो इट इज 2N 5/2 - 5/1/3 TR ओके यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी। बस आपने तो 5/2 - 5/1 लिखा है और यहाँ 5/1 - 5/2 लिखा है, बेटा यहाँ पे है ना माइनस होता है तो माइनस माइनस तेरा प्लस हो जाएगा तो ये उल्टा हो जाता है, ठीक है ना, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी तेरा दिल वाला क्वेश्चन है सो प्लीज पे अटेंशन टू दिस क्वेश्चन एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अ टोरॉइडल सोलेनोइड ओके विद एयर कोर हैज एन एवरेज रेडियस ऑफ कैपिटल आर, नंबर ऑफ टर्न्स एन एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर गिवन, द सेल्फ इंडक्टेंस। यानी एक सोलेनोइड का वो अब हमने एक टोरॉइड में कन्वर्ट कर दिया इस तरह से, दिस इज अ टोरॉइड, तो जो तेरी लेंथ थी अब वही तेरी सर्कमफेरेंस बन गई होगी, तो तेरा एल का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, अब तेरा जो स्मॉल एल है वो क्या बन गया बेटा सर्कमफेरेंस, तो ये हो गया एन स्क्वायर ए इंटू 2 पाई आर। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। Okay, moving ahead to the next question, question number 17. Two coils P and Q have mutual inductance M, H, M Henry, okay. If the current in the primary circuit is given, then the maximum value of EMF is, okay, EMF pucha hai, so E is equal to DIP by DT into M. अब तो E is equals to M बाहर ले रही हूँ बेटा, इसको डिफरेंशिएट करूंगी तो ये हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा T का हो जाता है cos ओमेगा T, और चेन रूल के हिसाब से ओमेगा भी आएगा। अगर मैं इसको कंपेयर करूं स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ तो जो तेरी पीक वैल्यू आ रही है दैट इज M I नॉट ओमेगा, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, इस पे भी आपको थोड़ा सा अटेंशन ध्यान देना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मेटल रिंग्स पी एंड क्यू आर लाइन इन द सेम प्लेन वेयर करंट आई इज इंक्रीजिंग स्टेडी, यानी करंट ऐसे फ्लो हो रही है और इसमें करंट बढ़ती जा रही है, द इंड्यूस करंट इन द मेटल रिंग, यानी यहाँ पे और यहाँ पे दो रिंग रखी है पी और क्यू ओके अब समझ ध्यान से समझ, करंट ऐसे जा रही है तो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड बन रही है और नीचे के साइड इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आया, करंट ऐसे जा रही है तो करंट के डायरेक्शन में मैंने थंब को रखा तो ऊपर बाहर की तरफ और नीचे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है क्योंकि करंट बढ़ रही है और यहां पे अंदर के साइड बढ़ रही है क्योंकि करंट बढ़ रही है, तो ये क्या चाहेगा कि तू नहीं बढ़, ये क्यों बढ़ रही है, तो इसको अपोज करना है, मतलब इसको अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी, क्योंकि क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनेगी और ये इसको अपोज कर पाएगा, बल्कि नीचे की तरफ बात करूं तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो इसको बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, सो करंट विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फॉर पी इट इज क्लॉकवाइज एंड फॉर क्यू इट इज एंटी क्लॉकवाइज, पी क्लॉकवाइज क्यू एंटी क्लॉकवाइज मींस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।
ओके अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. अ लॉन्ग मेटल रोड ऑफ लेंथ एल कंप्लीट्स द सर्किट एज शोन. द एरिया ऑफ द सर्किट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. दिख रहा है रेजिस्टेंस दिया है, द फोर्स नीडेड टू मूव द रोड. डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा, इसमें कुछ रोल नहीं है. बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर. बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर. इसमें पावर का फॉर्मूला भी होता है. पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी. तो वहां से फोर्स को अगर मैं वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करूं तो एक और तुझे पावर का फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर. ठीक है, तो पावर का भी फॉर्मूला तुम लोग याद रखना. ओके बेटा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. क्या दिया है इसमें देख जरा. द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 2 हेनरी and the EMF induced is 2 kilowatt. Current in the primary is reduced to 6 ampere, from 6 ampere to 3 ampere, the time required for the change of current is. Okay, तो क्या formula है तेरे E का? M di by dt. तो तुझे dt पूछा है. So dt is m di by e. So dt is m कितना है बेटा? 2. E कितना है? 2 into 10 raised to 3. And di by dt is 6 minus 3 change. So dt ये काट डाला, 6 minus 3 is 3. और ये 10 raised to 3 ऊपर गया. So 3 into 10 raised to minus 3 second. So the correct answer is option C. समझ में आया? ओके, पहले आप ये कॉपी कर लो. यस, सो हियर वी हैव फिनिश्ड विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्वेश्चंस. अगर आपके कुछ रिक्वेस्ट है, कुछ सजेशंस है, तो प्लीज मुझे बताइए ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं, या आपकी जो आप चाहते हैं मैं वो आपको डिलीवर कर पाऊं. ठीक है, एंड प्लीज शेयर, लाइक, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए इसके बारे में ताकि वो भी पढ़ सके. ठीक है, अब हम जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए.